हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल थ्री शेडोज व्लॉग। आज फिर हम आपके लिए लेके आए एक नया व्लॉग अपनी नेक्सॉन गाड़ी का। हमने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में कि हमने गाड़ी पे कोटिंग करवाई है। जो कोटिंग है वो उसमें प्रोडक्ट यूज हुआ है डेफोडिल, और ये डेफोडिल में ग्रेफिन कोटिंग हुई है। तो आपको पहले तो आपको दिखाते हैं, अभी हमारी गाड़ी उस दिन से लेकर आज तक धुली नहीं है, कम से कम 5-6 दिन हो गए। तो उन्होंने बताया था कि 4-5 दिन गाड़ी को धोना नहीं है और उसके बाद ही धुलना, जब तक इसकी सारी फिनिशिंग अच्छी हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत मिट्टी वगैरह भी है। थोड़ा इसको क्लोज करके आपको दिखाते हैं कि इसमें मिट्टी वगैरह है, और इस मिट्टी को भी साफ करने के लिए उन्होंने हमें कुछ प्रोडक्ट्स दिए हैं। एक मोप दिया है, एक कपड़ा है जो फाइबर क्लोथ है, माइक्रो फाइबर टाइप का है, उससे इसमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे। एक मोप है जो हमें बार बार घिसने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके अंदर थोड़ा सा केमिकल होता है। केमिकल से क्या है कि हम एक बार उसको लगाएंगे और गाड़ी साफ हो जाएगी। तो उसका एक छोटा सा आपको ट्रेलर हम दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों आपको दिखाते हैं, ये हमारा मोप है जो डस्टर का काम करता है, इसका नाम है जोपासु डस्टर। तो ये आपको दिखाते हैं, इसमें ये जैसे ऐसे ये है, तो इसमें यहाँ पे ना इसके अंदर केमिकल भी, मैंने 3-4 बार साफ किया इसलिए गंदा हो गया, और उन्होंने ये कहा था कि इसको धोना नहीं है, धोते हैं तो फिर इसके जो केमिकल वो निकल जाता है और इससे सफाई में दिक्कत आती है। तो इसको हम एक बार भी अगर करते हैं पूरे सफाई हो जाएगी। तो एक ये है, पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। दूसरा ये अपना माइक्रो फाइबर जो कपड़ा है, जो क्लोथ है, इससे भी मतलब अच्छी इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर गीला हो जाए तो इसी से साफ करना चाहिए, अगर सूखे में करना है तो इससे करो आप। तो अभी मैं आपको थोड़े थोड़े ट्रेलर दिखा देता हूँ दोनों के। चार बारी में पूरा क्लियर हो गया। देखिए दोस्तों, हमारा बहुत ज्यादा टाइम बच गया, इसमें सिर्फ 5 मिनट में हम पूरी गाड़ी को साफ कर सकते हैं। तो ये ऐसे है। और दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा, हमने बताया कि माइक्रो फाइबर है कपड़ा जो है, ये जो कपड़ा है इसको अगर गाड़ी जब धुलती है, अपने घर पे धोते हैं, तो इसमें हमने सर्फ वगैरह यूज नहीं करना, खाली जो अपना शैम्पू होता है उससे यूज करो। और इससे ना बिल्कुल पूरा ये बिल्कुल मतलब स्क्रैचेस नहीं आते इससे, ये देखो बिल्कुल, ये सब कुछ है। और पानी को बहुत ज्यादा अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है और फिनिशिंग बहुत अच्छी देता है, जो कि आपका कॉटन कपड़ा या कोई और कपड़ा इतना नहीं दे पाता है। तो दोस्तों, ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें होती है जो गाड़ी को मेंटेन करने के लिए जरूरी होती है, और मैं किसी का कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो चीज मेरे को अच्छी लग रही है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको एक चीज और है कि आप कोटिंग के बाद गाड़ी की विजिबिलिटी देखिए, पहले से ज्यादा चमक हो रही है गाड़ी में, नई की नई दिखाई दे रही है। आज हम ऐसी दिखाई दे, आज के 6 महीने बाद भी अगर हम ठीक से इसको प्रॉपर तरीके से इसकी वॉशिंग और इसके जो प्रॉपर जैसे जैसे इसमें कपड़े क्लोथ्स वगैरह बताए गए हैं, जो जो प्रोडक्ट बताए गए हैं, अगर उन्हीं के हिसाब से इसके मेंटेन करते हैं, तो इसकी जो विजिबिलिटी वो अच्छी ही रहेगी, गाड़ी की चमक बरकरार रहेगी। और इसकी ड्यूरेबिलिटी जो बताई गई है, जो हमने आपको बताया है डेफोडिल ग्रेफिन कोटिंग, इसकी ड्यूरेबिलिटी बताई उन्होंने 4 से 5 साल तक, और वो हर 2 साल तक उन्होंने हमें वारंटी भी दी है कि हर एक साल में वो इसको मेंटेन करेंगे, एक बार इसके ऊपर कोटिंग करके देंगे, कोटिंग इन द सेंस इसके ऊपर थोड़ा वैक्स लगा के देंगे हर साल, तो जिससे चमक और बरकरार रहेगी। और ये मैं अपने लिए किसी के प्रमोशन के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आप सबके अपने लिए बता रहा हूँ मैं, कि आपकी गाड़ी की लाइफ बनी रहेगी, लुक अच्छे रहेंगे, आपकी गाड़ी आपको नई के नई दिखेगी, आपका गाड़ी से आपका मन नहीं उठेगा कभी भी। तो ये चीज़ें आप भी करवाएं तो सही ही है। तो और कोटिंग के बेनिफिट ये हैं दोस्त, कि एक तो स्क्रैचेज नहीं दिखते गाड़ी में, और स्क्रैचेज के साथ साथ गाड़ी की चमक बनी रहती है, गाड़ी नई दिखती है हमें, और गाड़ी के लुक्स बेहतर रहते हैं। मन नहीं उठता गाड़ी से यार कि हमारी गाड़ी पुरानी हो गई है, स्क्रैचेज लग गए हैं, पुरानी जैसी दिखती है।
और आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप जब गाड़ी को बेचने जाओगे तो गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत ही अच्छी मिलती है, अगर उसके लुक्स वगैरह उसमें स्क्रैचेस वगैरह नहीं है तो ये चीज़ आपके लिए प्लस पॉइंट होती है। और दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि इसका कोई ज़्यादा प्राइस नहीं आता, जब आप गाड़ी के ऊपर 10-12 लाख रुपए लगा रहे हो या 15 लगा रहे हो, जो भी आप लगा रहे हो उसके ऊपर एक छोटी सी अमाउंट अगर आप लगा दो, मैं आपको ये नहीं कहता आपको लगाना ही है या फिर किसी स्पेसिफिक किसी से कह रहा हूँ कि वहीं से आपने लेनी है, कोई प्रोडक्ट बोल रहा हूँ यही आपको लेना है, आपकी जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ करो, जहाँ आपका मन बैठे वहाँ पर काम करो, लेकिन इसमें आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करने के लिए अगर 10-12-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये भी लगा देते हो अपनी गाड़ी के हिसाब से, वो अलग अलग प्राइसेज होते हैं आपको, जो केमिकल इसमें जो कोटिंग जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है उसके हिसाब से प्राइसिंग अलग अलग है, जो मैंने करवाई वो 18 हज़ार रुपये में करवाई है। तो आप भी इस तरीके से थोड़ी सी अमाउंट के लिए पीछे ना हटें, अपनी गाड़ी को मेंटेन करके रखें, जब गाड़ी इतने प्यार से लेते हैं घर के एक मेंबर की तरह इसको रखते हैं तो पाले भी अब मेंबर की तरह ही। तो दोस्तों बस जो लगभग चीज़ें थी हमने आपको बता दी कोटिंग के बारे में, तो इसमें जो प्रोडक्ट आपको बताए हैं कि डस्टर है या फिर फाइबर माइक्रो फाइबर आपका कपड़ा है वो, या पानी में सर्फ की जगह हमें शैम्पू यूज करना चाहिए, खारे पानी से ना धोएं जिससे स्क्रैचेस ज़्यादा दिखते हैं और पेंट डल हो जाता है। तो इससे एक और फ़ायदा भी मैं आपको बताना भूल गया था कि धूप में रखने से भी आपकी कोटिंग से आपका पेंट प्रोटेक्शन बहुत अच्छी रहेगी। तो दोस्तों ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं आपको अलविदा कहना चाहूँगा और ये कहूँगा कि अपनी गाड़ी को अपने बच्चे की तरह जैसे प्यार करते हैं तो उसमें थोड़े वो पैसे और लगा के उसको मेंटेन करने की भी कोशिश करें। आज के लिए राम राम, धन्यवाद। और आपसे हाथ जोड़ के एक और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक दें, हमारी पहली वीडियो पे भी ठीक लाइक आए हैं और अगली वीडियो पे भी लाइक दें, और पिछली वीडियो जो हमने बनाई है उसका मैं आपको इसमें भी लिंक दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं हमारी कोटिंग में क्या क्या हुआ है, पहले गाड़ी क्या थी और अब क्या है। तो अभी राम राम।